हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज 15 सितंबर 2022 और आप सभी लोगों को पता है कि यूपी बीएड की काउंसलिंग 28 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि 28 सितंबर से किनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग फीस क्या रहने वाली है, बीएड की टोटल फीस क्या रहने वाली है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कॉलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि काउंसलिंग में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एडमिशन टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और जिनका अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है फाइनल ईयर का, उनकी काउंसलिंग कैसे होगी, जिनकी रैंक अच्छी आई है 10,000 से नीचे आई है, कितनी रैंक वालों को भाई इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितनी रैंक वालों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, क्या जिनका जो है 400 में से 100 से भी कम नंबर आया है क्या उनको बीएड की काउंसलिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यही संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आप लोग दिए थे, ठीक है, काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। साथ ही मैं बता दूं, बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी, यूपी डीएलएड की अपडेट रहेगी, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। लास्ट में अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग पेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र ₹149 में आपको मिल रहा है हमारा क्रैश कोर्स। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 500 छात्रों के लिए इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र ₹149 रखा गया है। 5 प्रैक्टिस सेट भी फ्री दिए जा रहे हैं, तो अभी के अभी परचेज कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला डाउट ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि किनकी 28 से शुरू होगी काउंसलिंग। बहुत सारे लोग जो हैं मेरे मतलब यूट्यूब पर ही कमेंट करते हैं कि इतनी मेरी रैंक है इतनी, और बहुत सारे लोग उसका जवाब देते हैं कि आपकी थर्ड मतलब फेस में होगी, सेकेंड फेस में होगी। तो मैं बता दूं, अभी इसका ऑफिशियल शेड्यूल नहीं जारी किया गया है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो अभी आपको नहीं पता चलेगा कि हमारा किस राउंड में होगा किस राउंड में नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पिछली बार का है, यानी कि 2021 का, सॉरी यहाँ पर 20 का है ये, ठीक है, 20-22 वाले का है। तो यहाँ पर देखिए, जो 2020 और पिछले साल जो है जिनकी 1 से 75,000 के बीच में थी रैंक, 75,000 के बीच में थी जिनकी रैंक 1 से 75,000 के बीच में, उनको फर्स्ट राउंड में बुलाया गया था। और यहाँ पे 2020 है तो 1 से 50,000 तक बुलाया गया था। तो इस बार ये मान के चलिए कि जिनकी स्टेट रैंक 1 से 1 लाख के बीच में है, 1 से 1 लाख के बीच में है, तो उनको फर्स्ट राउंड में बुलाया जाएगा फेस वन में, ठीक है, फेस वन में। और अभी ये कंफर्म नहीं है कि 1 लाख ही तक बुलाया जाएगा, ये मान के लिए कि 80,000 तक भी बुलाया जा सकता है, ठीक है, 1 से 80,000 तक। तो अराउंड अगर आपके 1 लाख तक है स्टेट रैंक तो आपको फर्स्ट राउंड में बुलाया जा सकता है फेस वन में, ठीक है। चलिए, जब इसका मैं बता दूं शेड्यूल आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा किनकी कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब रजिस्ट्रेशन आपको करना है, कब चॉइस फिलिंग करना है, कब आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, कब आपको कॉलेज में जाना है एडमिशन के लिए। ये जो है आपका शेड्यूल, ये मान के चलिए कि 28 से आपकी स्टार्ट है काउंसलिंग और 25 तक आपका जो है शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा। आप अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए कि हमारी कब होगी, ठीक है। काउंसलिंग फीस मैंने आपको बता ही दिया भाई, 5750 आपकी जो है फीस होगी। इसमें देखिए, ₹750 काउंसलिंग की फीस होती है और 5000 कॉलेज की एडवांस फीस होती है। सपोज जैसे आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ, 51,250 फीस होती है, तो इसमें 5000 एडवांस ले लिया गया आपका अभी, तो 46,250 आपको जो है बाद में फिर जमा करना पड़ता है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जैसे आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका 5000 वापस कर दिया जाएगा, 5000 वापस कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है, समझ में आ गया। फीस टोटल फीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की जो फर्स्ट ईयर की फीस होती है 51,250 होती है और सेकेंड ईयर की होती है 30,000 फीस। गवर्नमेंट कॉलेज की, यानी कि हर गवर्नमेंट कॉलेज की अलग अलग फीस होती है, किसी के 3,000 होगी, किसी के 4,000 होगी, किसी के 5,000 होगी, यानी कि अगर एडेड कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो उसमें 10,000 तक भी फीस चली जाती है और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका 4-5,000 में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकेंड ईयर में भी फीस लगती है। डॉक्यूमेंट की बात करें, जिनका भाई फाइनल ईयर था तो उनकी केवल फाइनल की मार्कशीट अपलोड होगी। जिस कॉलेज से आप लोग अपना मतलब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल या तो प्राचार्य वहाँ पे हो अगर, तो उनकी सिग्नेचर और कॉलेज की मोहर आप लोग जरूर लगवा लीजिएगा, ठीक है, उसको अपलोड करना होगा काउंसलिंग कराते समय, नहीं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बैंक की पासबुक आपकी लगेगी, बैंक पासबुक, ठीक है, कोई भी दे सकते हैं, चाहे आपका जनधन हो चाहे जो कुछ भी हो। जनधन वाला ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप में मत लगाइएगा, जनधन खाता जो वाला
है खाता आपका, उसको स्कॉलरशिप में मत लगाइएगा। स्कॉलरशिप में आप लोग दूसरा अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा, अभी अकाउंट मत आप लोग ओपन करवाएं, ठीक है। जैसे जो लोग ओपन करवाना चाहते हैं तो अभी मत ओपन करवाएं। सपोज जैसे आप लोग प्रयागराज से हैं और आपका हो गया जौनपुर में आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, जौनपुर में आपका एडमिशन हो गया, तो आपको उसी जौनपुर ज़िले में ही अपना फिर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। जिस ज़िले में आपका एडमिशन हुआ उसी ज़िले का अकाउंट आपका होना चाहिए, ओके। अभी आपके पास जो है उसको कर दीजिएगा, नहीं तो मम्मी पापा का भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो कैसे करेंगे भाई, बिना रिजल्ट के आप लोग अपनी काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, ओके। तो जिनकी रैंक अच्छी थी, जैसे जिनकी रैंक 10,000 से नीचे आई थी, 10,000 से नीचे आई थी रैंक, और उनको भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता 100% मिल जाता, जिनकी स्टेट रैंक 10,000 से नीचे थी और उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो लास्ट में आपको वही पूल काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा या तो डायरेक्ट में, ठीक है। बिना रिजल्ट के आप लोग नहीं करवा सकते हैं, ओके। चलिए, कितनी रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा मैं बता दूँ, अगर स्टेट रैंक 10,000 से नीचे है तो आपका फिक्स है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। सपोज अगर आपका 12,000 तक भी है, 12-13,000 तक भी है ना, तब भी आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिएगा। पहले कम से कम 10-12 कॉलेज लॉक करिएगा गवर्नमेंट कॉलेज ही, अगर आप लोग 12,000 तक रैंक आपकी है तो, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज लॉक करिएगा, एटीट्यूड में मत रहिएगा कि मेरी इतनी रैंक है मैं एक कॉलेज लॉक किए दे रहा हूँ मुझे तो मिल ही जाएगा। ऐसे लोग फिर बाद में फिर कमेंट करेंगे कि आप ये बता रहे थे मेरी इतनी रैंक ही मुझे नहीं मिला। तो यही गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं, कॉलेज चॉइस नहीं करते हैं ज़्यादा। तो कॉलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चॉइस करना है, ठीक है, चाहे जिस भी ज़िले में हो आपका, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉक करना है। ये नहीं कि दो चार कर दिए फुर्सत, ऐसा नहीं करना है, कम से कम 15+ तो कॉलेज आपको लॉक ही करना है, ओके। चलिए, और ये भी बात याद रखिएगा, जैसे आपको आपकी रैंक अच्छी है और आपको इसी साल मतलब एडमिशन लेना है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप लोग लास्ट में प्राइवेट कॉलेज भी लॉक कर दीजिएगा, दो तीन जो आपके आसपास हो, ठीक है। अगर जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले तो प्राइवेट कॉलेज तो कम से कम मिल जाए, नहीं तो पूल काउंसलिंग में फिर आपको मिलेगा नहीं, सीट भर जाएगी। क्या 100 नंबर से जिनका भाई कम नंबर है क्या उनको काउंसलिंग करवाना चाहिए? इसका जवाब होगा यस, आप लोग काउंसलिंग करवाइएगा। अगर कॉलेज नहीं मिलेगा भाई, कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका 5,000 तो वापस हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, वही 750 रुपये आपका लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। तो काउंसलिंग सभी लोग भाई करवाइएगा, ठीक है। काउंसलिंग एलिजिबल फॉर काउंसलिंग अगर लिखा है आपके रिजल्ट में तो आप लोग जरूर करवाइएगा, ठीक है। और ये काम देखिएगा, एडमिशन टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो मात्र एक दिन में आपका बन जाएगा। बस अभी आप लोग अपना जैसे बीएड का जब फॉर्म भरे थे उसका रजिस्ट्रेशन का स्लिप निकला होगा, उसकी फोटोकॉपी वगैरह रखवा के अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। वो एडमिशन टाइम लगेगा, रिजल्ट की फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है, ये सब लगेगा, आपका मार्कशीट हो गया, ठीक है। अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं किसी के पास तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा एडमिशन आपका, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की इस वीडियो में जानकारी। इसके अलावा कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। जो भी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।